बात जम्मू कश्मीर की ही करेंगे, जहां पर गुपकार पर सियासी वार छिड़ चुका है, पलटवार भी लगातार जारी है। और बीजेपी की तरफ से आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मोर्चे पर नजर आए और कांग्रेस पर जमकर हमला किया। पहली बार हुआ है धारा 370 को हटाने के बाद, जब जिला परिषद के माध्यम से, ग्राम पंचायतों के माध्यम से, इनके चुनाव और इनके गठन के माध्यम से विकास की प्रक्रिया को, इन सबको जोड़ने का प्रयास हो रहा है। और ये गुपकार समझौता इसी बौखलाहट का परिणाम है, क्योंकि अगर विकास हो जाएगा तो लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी भी होगी, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे, विकास के प्रति आवाज उठाएंगे। इसलिए स्थानीय स्तर पर लोग विकास से न जुड़ सकें, इसके लिए आपस में एक नापाक गठबंधन जम्मू कश्मीर के अंदर बनाकर के गुपकार समझौते के माध्यम से उन अलगाववादी तत्वों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के साथ ही, जिस प्रकार के खतरनाक बयान श्री फारूक अब्दुल्ला के आए हैं, मुफ्ती महबूबा के आए हैं और अलगाववादी नेताओं के आए हैं, उन सभी गुपकार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले दलों और नेताओं के बयान के साथ कांग्रेस पार्टी का जुड़ना अत्यंत खतरनाक संकेत है। और खासतौर पर तब जब हमारी सेना सीमा पर लड़ रही हो, जब हमारे बहादुर जवान, देश के बहादुर जवान जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद की लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ रहे, आतंकवाद की सफाई की लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ रहे हों, उन स्थितियों में भारत के आंतरिक मामले में उस धारा 370 को हटाने के उपरांत जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं ने जो एक समझौता, आपसी समझौता किया था, एक गुपकार कन्वेंशन कहलाता है, और इस पर हस्ताक्षर करने वाले जो लोग हैं उनमें वहां के क्षेत्रीय दलों के साथ ही कांग्रेस पार्टी के भी नेता हैं। हम सब जानते हैं कि पूर्व गृह मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम जम्मू कश्मीर से धारा 370 की बहाली की बात बार बार करते हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री गुलाम नबी आजाद 370 की बहाली की बात करते हैं, गुपकार समझौते के बारे में जो मीटिंगें श्रीनगर के अंदर अलग अलग समय में हुई हैं, कांग्रेस के स्थानीय अध्यक्ष के साथ ही अन्य नेताओं की उपस्थिति वहां पर इस बात की ओर स्पष्ट इशारा करती है कि वे लोग दिल्ली में कुछ और बात बोलेंगे, जम्मू कश्मीर में कुछ और कार्य करेंगे। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि गुपकार समझौते के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करें।